आज तक आपने बहुत सारे चाय यूज़ किया, मगर कोई भी चाय बोल सकते हैं कि इसमें एरोमा भी है, लिकर भी है और एंटीऑक्सीडेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है और सबसे बड़ी बात जो है, एक कप चाय से बराबर है 4 ग्लास ऑरेंज जूस। ऐसा कोई भी चाय कंपनी आज तक किसी ने भी बोला? तो फिर आइए, आज ये वीडियो आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्टीज का जीटा टी के बारे में। ये क्यों यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, कहाँ से मिलता है, कितने में मिलता है, इस सभी के बारे में बात करेंगे। और आप देख रहे हैं लाइट एंड साउंड, प्लीज़ लाइक अस, सब्सक्राइब अस फॉर मोर अपडेट्स, थैंक यू। हाँ तो चलिए बात कर लेते हैं वेस्टीज का जीटा टी के बारे में। ये किससे बनता है? पहले तो ये सिर्फ टी का लीफ से बनता है। इसमें क्या क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें जो है वो है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, और क्या है, रेड लिकर है, इंटेंस एरोमा है, जो कि दूसरे जो सारे चाय आपको मिल रहे हैं मार्केट से, इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इतना नहीं है जितना इसमें है, और रेड लिकर है और एरोमा है, ये सभी मिला के बन रहा है वेस्टीज का जीटा स्पेशलिटी। ये स्पेशलिटी हम क्यों यूज़ करें, ये प्रोडक्ट हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि वेस्टीज का जो जीटा स्पेशलिटी है, ये पूरा का पूरा बन रहा है आसाम टी से, आसाम से ये टी बन रहा है। और इसमें लीकर, रेड लीकर जो है और जो एरोमा है, ये हमारे जो सेंसेस है उसको डिलाइटेड करते हैं। और जो बड़ी बात है वो है इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे सेल को और टिश्यू को प्रोटेक्ट करने में, उसको क्षमता बढ़ाने में ये काम करते हैं, हमको रिफ्रेश करने में ये काम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इसमें इतना एंटीऑक्सीडेंट है कि एक कप जीटा टी के बराबर है 4 ग्लासेस ऑरेंज जूस। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये वेस्टीज बोल रहे हैं कि एक कप चाय से बराबर है 4 ग्लास ऑरेंज जूस। तो फिर आप क्यों यूज करेंगे दूसरे कोई चाय? तो आइए हम दिखाते हैं दूसरे चाय से कंपैरिजन के इसमें अभी क्या क्या है, ये पहले हम देखेंगे। हाँ, इसमें एनर्जी है 120 पर 100 ग्राम, प्रोटीन है 19 पर 100 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, विटामिन है। ये सभी आपने पहले कभी सुना है कि दूसरे चाय में दिया हुआ है? मगर FSSAI का लाइसेंस लेकर वेस्टीज बोल रहा है कि इसमें हम जो बोल रहे हैं वो सभी है पर 100 ग्राम। तो फिर आप क्यों यूज़ करेंगे दूसरे प्रोडक्ट जिसमें एनर्जी नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्यों यूज़ करेंगे आप? आप अभी यूज़ कीजिए वेस्टीज का जीटा टी। आपको कैसे खाना है? पहले तो ये आपको नॉर्मली आप चाय जैसे खाते हैं, ठीक है, आप पहले तो अच्छे से बॉइलिंग वाटर पे इसको दे दीजिए, उसके बाद आप हनी से भी खा सकते हैं, शुगर से भी खा सकते हैं, और खाने के बाद आप बोलिए कि दूसरे चाय से ये डिफरेंस आपको नज़र आए या नहीं, इसका फ्रेग्रेंस जो है वो आपको अच्छे लगे, आपके माइंड को रिफ्रेश करे, रिफ्रेश किया कि नहीं, आप यूज़ करने के बाद बोलिए, यूज़ करने के बाद आप बोलिए कि ये आपको अच्छे लगे या नहीं, इससे आपका एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है वो गया या नहीं। एसिडिटी का प्रॉब्लम जाने के लिए आपको मिनिमम दिन में 2 बार खाना है, मिनिमम दिन में 2 बार खाना है, और खाने से पहले आपको पानी पी लेना है, उसके बाद आप आराम से खाइए और देखिए 1 या 2 महीने में आपका एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है, विदाउट एनी मेडिसिन, आप सिर्फ और सिर्फ जीटा टी खाने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो रहा है या नहीं। आप एक बार यूज़ करके देखिए, मेरे बात नहीं मानना चाहिए आपको, आप एक बार खुद यूज़ करके देखिए कि हाँ ये हो रहा है या नहीं। ये वेस्टीज बोल रहे हैं कि हाँ ये होगा ही होगा,
इसका एरोमा जो है वो बहुत ही अच्छे है। आप यूज़ करके देखिए कि इसका एरोमा जो है वो बहुत ही अच्छे है और आपके माइंड को रिफ्रेश करने में बहुत ही कामदायक है। आपके बॉडी को रिफ्रेश करने, आपके माइंड को रिफ्रेश करने में बहुत ही काम के है ये एरोमा जो है वो बहुत ही काम के है, ठीक है। और इसका लीफ जो है वो आप थोड़ा देख लीजिए, लीफ जो है वो दूसरे से अच्छा है, ठीक है। दूसरे से भी हमने कंपेयर किया, ठीक है, दूसरे लीफ से भी कंपेयर किया। दूसरे लीफ का देखिए और जीटा डी का देखिए, दोनों में कितना फर्क है, ठीक है। दूसरे में आपको देख रहा है कि ये बहुत सारे मिलावट है, मगर इसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम जेन्युइनली अच्छे प्रोडक्ट है। अभी देख लीजिए कि ये चाय होने के बाद ये कलर कैसा आ रहा है। देखिए एक रेड कलर का चाय हो रहा है और दूसरे जो चाय है उसका कलर देखिए हल्के से रेड में आ रहा है दूसरे चाय, और ये चाय जो है ये डीप रेड में आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि दूसरे से ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे है, बहुत ही इस वेस्टी जो बोल रहा है कि इसमें ये दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट है, जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपको साफ नज़र आएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, आप यूज़ करके देख लीजिए, वेस्टीज का जो चाय है वो आप गर्म पानी में देखिए, थोड़ा देख लीजिए कि डिफरेंस कितना है, ठीक है। ये देखिए ये नॉर्मल चाय है, नॉर्मल चाय से डिफरेंस कितना है, ठीक है। आप यूज़ करके देखिए, उसके बाद बोलिए कि हाँ कि डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। अभी देखिए ना, ये उंगली में भी हमने देख कर डेमोन्स्ट्रेट किया है, ठीक है। देखिए कितना गाढ़ा है वो, ये कितना लिकर है। ये सभी मिला के आपको मिल रहा है बहुत ही कम दाम में, 110 रुपये में आपको मिल रहा है मार्केट में। आप वेस्टीज को वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं। ये सब कुछ इतना एंटीऑक्सीडेंट, रेड लिकर, एरोमा, ये सभी मिला के आपको 250 ग्राम का पैकेट जो है वो आपको मिल रहा है 110 रुपये में, जो मार्केट से बहुत ही कम है। देखिए आप यूज करके देखिए, उसके बाद बोलिए कि हाँ चेंजेस आए, आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है वो गए, एंटीऑक्सीडेंट जो आपके टिश्यू को, आपके सेल को जो पावर दे रहा है वो हाँ आपको खुद ब खुद नजर आएगा। और एक कप चाय बराबर है 4 ग्लास ऑरेंज जूस के, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे कोई भी चाय में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता, ग्रीन टी है, नॉर्मल टी है, कोई भी ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है, मगर वेस्टीज के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है ये FSSAI का लाइसेंस लिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट FSSAI ने लाइसेंस किया, तभी तो ये बोल रहा है कि इसमें ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है वो ठीक करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन से सब कुछ है जो हमारे काम के है। ये सभी आपको मिल रहा है 110 रुपये में 250 ग्राम का पैकेट। एक बार लेके यूज करके देखिए, एक बार यूज करके देख सकते हैं ये प्रोडक्ट अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।